हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन यू आर नॉट माइंड का पार्ट टू स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तिनी, तुलिम और जब तने के साथ घर में पहुँचता है, तब जंगकुक जो उन लोगों के लिए ही वेट कर रहा था। जंगकुक उन लोगों को देख कर एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने काम वॉइस में तन को कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि बाहर मत घूमा करो, अगर तुम्हें कोई किडनैप करके लेकर गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तब तन हंस तो है, कहते मॉम अब भी ना, अब क्यों इतनी ज़्यादा सोचते हैं, मैं इतनी भी ज़्यादा फुल नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी चले जाऊँगी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए जाती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ तो है, कहते और तुम्हें क्यों घूमने के लिए जाना है। तब तन नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक फिर से कहते हैं, मैं मना किया हूँ ना, तो फिर आज के बाद तुम बाहर नहीं जाने वाले हो, मैं तुम्हें जो बोला हो तुम उसे ही फॉलो करोगे, समझ में आई मेरी बात। तब तन जंगकुक की तरफ अपनी पप्पिया इसके साथ देखता है और कहते पर मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं, कोई भी मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहता है, और आपको पता है मैं आज बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन के साथ मिला था और वो मेरे साथ बहुत सारे बातें किया है, और मैं श्योर हूँ कि वो मेरी फ्रेंड बन जाएगा और उसके बाद मैं भी आपको मेरी फ्रेंड के साथ मिलाऊंगी। तब जंगकुक अपने फिर से काम वॉइस में कहते हैं, तुम्हें कोई भी ओल्डर मैन के साथ बातें नहीं करना चाहिए, वो लोग बुरा भी हो सकता है, तुम अगर फ्रेंड नहीं बना पा रहे हो और अगर वो लोग भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं होना चाहते हैं तो फिर फोर्स मत करो, उन लोगों के पास से दूर रहो, और हम लोग हैं ना, हम लोग एक साथ खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तब तन गुस्से से कहता है, अब सिर्फ हमेशा यही बातें कहते हैं पर आप कभी भी मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, अब सिर्फ अपनी वर्क को लेकर बिजी रहते हैं। तब जंगकुक कहते पर हम लोग देते हैं तुम्हें टाइम, तुम उस टाइम पर बाहर जाने के लिए क्रेजी हो जाते हो, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तब तन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते मैं जाऊँगी और मैं और भी ज़्यादा बाहर जाऊँगी, और ये कहने के बाद वो गुस्से से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तुली और तिनी नीचे की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक उन दोनों को कहते हैं, उसे संभालो, उस रस्में बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर जा रहा है। तब तिनी और तुली दोनों ही हमें अपने सिर हिला देते हैं, बिकॉज उन लोगों को पता है कि तन ही यहाँ पर गलती कर रहा है, बिकॉज वो लोग उसे सेव करना चाहते हैं, ताकि तिनी और तुली को जिस तरह से सब लोग बुली करता था उस तरह से तन को ना कर पाए, और यही वजह से तन इतनी ज़्यादा स्टबन बन गया था। पर फिर भी वो सब लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और दूसरी तरफ तंग जो अपने घर में जाने के बाद भी उस बॉय को ही मिस कर रहा था, और तंग की फेस पर हर वक्त एक स्माइल था, और वो जब अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसे कॉल आता है। तब वो देखता है कि उसकी डैड ने उसे कॉल किया था। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है और अपने काम वॉइस में कहता है, डैड क्या हुआ है। तब मिस्टर किम एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं, तुम कहाँ पर हो। तब तंग कहते हैं, मैं एक ब्रेक पर हूँ। मिस्टर किम तब तुरंत कहते हैं, जो भी हो तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से सियोल में वापस आओ। तंग तब तुरंत मना कर देता है और कहते नहीं, मैं अभी वापस नहीं जाऊँगी, मैं एक ब्रेक पर हूँ और मैं इस ब्रेक को लेना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और स्पेशली सियोल से बहुत ज़्यादा। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, क्यों, यहाँ पर क्या तुम्हारी उसी धोखेबाज गर्ल के बारे में याद आ जाता है। तब तंग कहते उसके बारे में बातें करना बंद कीजिए, वो मेरी पास था और उसके साथ तो चला भी गया है, तो फिर मैं केयर भी नहीं करती हूँ कि वो अब क्या करता है क्या नहीं करता है, ना तो मुझे जानना भी है, और आप किस लिए मुझे कॉल किए थे, सिर्फ यही बात बोलने के लिए, तो फिर मैं कॉल को रख रही हूँ। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं, नो, मैं तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम्हारे जो धोखेबाज एक्स था उसकी जो हस्बैंड है उसके साथ वही गर्ल के डिवोर्स होने वाला है, तो फिर तुम्हारे पास चांस है, तुम उसके पास वापस जा सकते होते हो, और यू नो उसके पास सेक्शन भी है, तो फिर तुम और भी ज़्यादा हैप्पी रह पाओगे, बिकॉज तुम तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, राइट। तंग तब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं ऐसे भी उसे लेकर क्या नहीं करती हूँ, वो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, मैं उसे लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, पर वो तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, इसी वजह से वो मुझसे तुम्हारी फ़ोन नंबर मांग रहा था। तब तंग कहते उसे मत देना। तब मिस्टर किम कहते, मैं तो दे दिया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं उसे चाहते हो। तब तंग साइलेंट था, वो नहीं चाहता है, पर उसकी डैड के साथ वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता है, बिकॉज तंग अब कोई भी फाइट करने के मूड में नहीं था। तब मिस्टर किम कहता है,
जो भी हो जल्द ही शायद तुम्हारी वेडिंग की मुझे जल्द ही प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप कि इस बार तुम्हारी जो रिलेशनशिप है वो टिक जाए। तब तक अपने काम भर्स में कहता है, मैं और कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आ रही हूँ और फिक्र मत करना, ये सब कुछ यहाँ पर ही ख़त्म है। मैं वैसे ही सिर्फ मेरी वर्क को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, मेरे पास और कुछ भी नहीं है और ना तो मैं चाहती भी हूँ। तब मिस्टर किम कहते, रियली सीरियसली तुम क्या हम लोगों को ऐसे ही रखना चाहते हो? कम से कम हम लोगों को तो कोई ग्रैंड चाइल्ड तो दे सकते हो, और तुम अगर ऐसे ही मर गए तो फिर तुम्हारी फ्यूचर का क्या होगा? तुम्हारी ब्लड तो आगे भी नहीं जा पाएगा। तब टाउन कहते, मैं क्या नहीं करती हो, और लेडी मेरी फैमिली ख़त्म हो गया है और जो भी कुछ था सब कुछ मैं खुद अपने हाथों से ख़त्म किया हूँ और मैं इसकी बाद और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तब मिस्टर किम कहते हैं, दुख हो रहा है तुम्हें? तब टाउन कहते हैं, नहीं दुख नहीं हो रहा है, सिर्फ रिग्रेट हो रहा है और जो भी हम उसके साथ मैं बातें नहीं करना चाहती हूँ। और तंग ये कहने के बाद कॉल को कट कर देता है। तब मिस्टर किम दूसरी तरफ से सिर्फ हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, जब लोगों के पास कोई कीमती चीज रह जाता है तब वो पर्सन कभी भी उस कीमती चीज का कीमत समझ नहीं पाता है, पर जब वो कीमती चीज खो जाता है तब उसे ज़रूर उसकी कीमत समझ में आ ही जाता है। और ये कहने के बाद मिस्टर किम अपने आइस को रोल कर लेता है और तंग जो उसके बाद खुद को फिर से अपने काम में बिजी कर लेता है, क्योंकि उसे अब जंगकुक की याद आ रहा है और तंग नहीं चाहता है कि अब वो अपनी जंगकुक और अपनी डॉटर्स के बारे में याद करे। और तंग ऐसे ही अपनी फुल ड्रेस पिन कर देता है। रात के टाइम पर वो अपने डिनर करके बेडरूम में चला जाता है और बेडरूम में जाकर वो बेड पर लेट कर जंगकुक के हुई सारे मैसेजेस को रीड कर रहा था जो जंगकुक शादी के दिन के बाद से लेकर तंग को एवरी डे करता था। पर तंग सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्लाई किया था और वो था जब जंगकुक उसे एवरी डे घर में आने के लिए कहता था, उसे ठीक टाइम से खाना खाने के लिए कहता था। ये सारे मैसेज के बाद तंग सिर्फ एक ही रिप्लाई किया था और वो था वो वर्क में बिजी है, जंगकुक उसे मैसेज करके डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद जंगकुक उसे मैसेज करना बंद कर दिया था और जंगकुक उसे तभी मैसेज करता था जब बहुत दिन हो जाता था और तंग घर में नहीं आता था। और ऐसे ही सिर्फ कुछ मैसेजेस ही था जो शायद ऑलमोस्ट 300 मैसेजेस होगा, क्योंकि जंगकुक ऑलमोस्ट दे ही था उनको सिर्फ ये पूछता था कि उसने खाना खाया है, वो ठीक है, उसकी वर्क कब ख़त्म होगा, वो कब घर में वापस आएगा, और यही सारे क्वेश्चन था। और तंग हमेशा की तरह ही कभी भी उसकी रिप्लाई तक नहीं दिया था, या तक तो तंग कभी भी उसके मैसेजेस को देखने की भी ज़रूरत नहीं समझा था, वो कभी भी चेक नहीं किया था। पर जंगकुक के लास्ट मैसेज देखने के बाद तंग रात में सो नहीं पाता था, उसे हमेशा याद आता था जंगकुक के बारे में और वो उसके बाद से सारे मैसेजेस रीड करना स्टार्ट कर दिया था और उसे कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड देता है। पर जब लास्ट की मैसेज तंग एवरी डे रीड करता है तब वो एवरी डे ही रोने लगता है, उसके आइस से अपना आप आंसू गिरने लगता है। उसे नहीं पता वो क्यों खुद को सेंस नहीं कर पा रहा है, इतने साल हो गया है पर फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। वो अब समझ पा रहा है कि उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ खो लिया है। उसके पास जंगकुक और उसकी डॉटर्स की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी था और तंग उसे भी एवरी डे देखता है, जहाँ पर जंगकुक को तंग हमेशा सिर्फ सैड ही देख पाता है। वो कभी भी जंगकुक को रियली स्माइल के साथ नहीं देखा था, जो शायद तंग अपनी शादी की सिर्फ फर्स्ट डे ही देखा था और उसके बाद वो कभी भी ये नहीं देख पाया था। और जंगकुक की हमेशा वो क्लिप देखने के बाद सोचने लगता कि वो जंगकुक नहीं हंसा था, जब भी उन लोग की डॉटर आता है तभी सिर्फ जंगकुक हंसता है। पर तंग उसे देख कर ही कह सकते हैं कि वो सब कुछ फेक था और तंग को शायद इसकी रीज़न भी पता था कि वही इसकी रीज़न है। वो कैसे इतनी ज़्यादा हार्टलेस था, अपनी खुद की फैमिली की तरह वो कभी भी ध्यान नहीं दिया था। उसकी इतनी ज़्यादा अच्छा फैमिली था पर फिर भी वो कभी भी ध्यान नहीं दिया है। और तंग जब भी ये सोचता है उसे अपने हाथ में पेन फील होने लगता है। फिर तंग सारे मैसेजेस को रीड करने के बाद फोन को साइड में रख देता है और वो एक लंबा सांस चुर के पिले को हक कर लेता है और उस पर करके कहता है, आई विश कि मैं जल्दी ही खुद भी मर जाऊँ और उसके बाद शायद मैं तुम्हारे साथ मिल पाऊँ, पर कौन जाने शायद मैं मिल भी ना पाऊँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ। तो फिर मैं होप नहीं करती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छा पर्सन हूँ, और तुम जबकि इतने ज़्यादा अच्छा पर्सन हो तो फिर तुम 100% हेवन में ही जाओगे, पर मुझे तो हेल में ही जाना होगा। पर फिर भी मैं विश करूँगी और गॉड के पास मेरी लास्ट विश होगा कि गॉड मुझे तुम्हारे साथ मिलने दे और
तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा सा बातें करने दे और मैं यही विश करूँगी। और तंग ये कहने के बाद अपने हाथों को पोस लेता है और सोने की ट्राई करता है और वो फुल एक घंटे बाद जाकर सो पाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग को वही शाल के बारे में याद आता है। तब तंग जल्दी से वही पार्क में चला जाता है और वो सिम जगह पर ही बैठ कर उस बॉय के आने की वेट करता है। दूसरी तरफ तन जो घर से बाहर निकलना चाहता था पर जंगू पहले ही उठ गया था और वो तन के साथ ही था। तन जहाँ पर भी जा रहा था जंगू उसके साथ जा रहा था। इसे देखकर तन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, आप इतनी ज़्यादा बैड मॉम क्यों है? आप क्यों सिर्फ मेरे पीछे पीछे इस तरह से घूमते रहते हैं? आपको पता है मैं मेरी न्यू फ्रेंड के साथ मिलने जाना चाहती हूँ, पर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जंगू तुरंत कहता है, तुम नहीं जाओगे, तुम्हें घर में ही रुकना होगा। तब ये सुनकर तन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, अगर आप मेरे साथ ऐसे करते रहे तो फिर मैं और कभी भी लौट कर नहीं आऊँगी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। तब जंगू कहता है, तुम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो? मैं तुम्हारी हर एक इश्क को पूरा करती हूँ पर फिर भी तुम्हारी जिद नहीं कमता है, तुम एकदम अपनी उस डैड की एकदम कॉपी हो। तब तन कहता है, मेरी डैड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब जंगू एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, तुम अगर अपने उस डैड की तरह बने तो फिर याद रखना, तुम तीनों ब्रदर और सिस्टर जिस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, एक दिन तुम्हारी खुद की शाल भी इसी तरह से लाइफ स्पेंड करेगा और कुछ भी नहीं। तो फिर अपने डैड के बारे में कभी भी मत तो ना तो सोचना, ना तो उसके बारे में कभी भी इस घर में बातें भी मत करना, क्योंकि उसके बाद तुम खुद ही रिग्रेट करोगे कि तुम ऐसे क्यों किए थे। तब तन कहते, तो फिर मुझे डैड के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? अब सिर्फ झूठ कहते कि डैड अदर कंट्री में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। या तो डैड नहीं है हम लोग की, आप ये भी कह सकते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त झूठ बोलेंगे। तब जंगू कहता है, अगर मैं तुम्हें बोल दिया तो फिर तुम प्रॉमिस करो कि तुम उस पर्सन के बारे में कभी भी ना तो मुझसे पूछोगे, ना तो तुम उसके पास जाने की भी ट्राई करोगे, और ये सारे जो तुम एकदम एक बेबी की तरह बिहेव करते हो बंद करोगे। तुम 9 ईयर की हो, तुम इतनी भी ज़्यादा स्मॉल नहीं हो, प्लीज़ समझने की ट्राई करो थोड़ा सा। तुम क्या 9 ईयर की बेबी की तरह ही सोच सकते हो? 5 ईयर की बेबी की तरह सोचना बंद करो। तब तन जो पाउट करते हुए कहते हैं, ओके अब जो बोलना चाहते हैं बोले, पर मैं डैड के बारे में जानना चाहती हूँ। तब जंगू की एक लंबा सांस तोड़ता है और जंगू कहते हैं, तुम्हारी डैड कोरिया की एक मॉडल है और उसके साथ एक फेमस एक्टर भी। तब ये सुनकर वो कहता, आप कहना चाहते हैं कि मेरी डैड एक सेलिब्रिटी है? तब जंगू खामे अपने सिर हिला देता है, फिर तुरंत तन आंसर करते हैं, तो फिर हम लोग मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? तब जंगू अपने काम वॉइस में कहते हैं, क्योंकि हम लोग की डिवोर्स हो गया है। तब तन ये सुनकर अपने आईब्रोस रेस करके जंगू की तरफ देखने लगता है और वो कहते हैं, तो फिर आपने क्यों मेरी डैड को डिवोर्स दिए थे? आप क्यों ऐसे किए थे? तब जंगू फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे डैड को डिवोर्स नहीं दिया था, उसने मुझे दिया था, और इसकी रीज़न ये है कि तुम्हारी एक स्टेप मदर है और उसके साथ एक स्टेप फादर भी है, और यही एक रीज़न था। और अब जबकि तुम्हें अपनी रीज़न पता लग गया है तो फिर तुम खुद ही समझ सकते हो, और हम लोग उसके बाद भी वहाँ पर नहीं रुक सकते थे, और तुम्हारे डैड कभी भी हम लोगों से कोई भी थोड़ा सा प्यार भी नहीं किया है, ना तो तुम्हारी दो एल्डर सिस्टर को, ना तो मुझसे, ना तो तुमसे भी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट था तभी हम लोग की डिवोर्स हो गया था, और वो कभी भी तुम्हारे बारे में जानने के बारे में सोचा तक नहीं, और उसके बाद हम लोग अलग हो गए थे और मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपनी आने वाले सन के साथ भी, और यही एक रीज़न है कि हम लोग कभी भी वापस भी नहीं जा सकते हैं, और ना तो मैं जाना भी चाहती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूज़लेस है, जाकर भी कोई भी काम नहीं होगा। वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है, मैं यहाँ पर हैप्पी हूँ, पर तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तुम जब भी बाहर जाते हो मुझे डर फील होता है, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ करने की ट्राई किया तो मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि मैं तुम्हें सेव कर पाऊँगी, मैं तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोकना चाहती हूँ, पर और थोड़ा सा बिग हो जाओ, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो तुम्हें हर्ट कर सकता है, यही एक रीज़न है। तुम अगर अपने न्यू फ्रेंड के साथ जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पार्क तक ही जाओगे और उसके बाद तुम पार्क से सीधा घर में वापस आ जाओगे, पार्क को तुम बिल्कुल भी पार करके कहीं और नहीं जाओगे, और उस पर्सन के पास तक उस तुम लोगे भी नहीं। तब ये सुनकर तन पाउट करने लगता है और कहते हैं, बहुत ज़्यादा बैड है। तब
तुरंत जंगकुक कहते हैं अगर तुम मान पाते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें इसी तरह से फॉलो करूंगी। तब वो पाउट करते हुए कहते हैं ओके मैं जाऊंगी और मैं फिर से डैड के बारे में नहीं पूछूंगी। तब जंगकुक सिर्फ मुँह कह देता है और उसके बाद तंजो स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और उसे थोड़ा सा नीचे झुकने के लिए कहता है। तब जंगकुक नीचे झुक जाता है। तब वो जंगकुक की चीक पर किस करता है और कहता है मैं खुद से ही आ जाऊंगी और सिस्टर्स को भेजने की ज़रूरत नहीं होगा। तब जंगकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है और कहते हैं पर 2 घंटे के अंदर ही आ जाना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर तुम लेट गए तो फिर मैं तुम्हारी सिस्टर को फिर से भेजूंगी। तब वो फिर से हाँ कह देता है और जंगकुक को बाय कहता है। वो भी अपनी बॉक्सिस माल के साथ और उसके साथ वो जल्दबाजी में पार्क की तरफ जाने लगता है। तो 45 मिनट से उस बॉय के आने की वेट कर रहा था पर वो अब तक नहीं आया था और तंग उठकर जाने वाला था। तभी पीछे से कोई चिल्ला कर कहता है प्लीज मत जाना मैं आ गई हूँ। तब तंग पीछे की तरफ देखता है और उस बॉय को देख तंग की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है। तब वो बॉय सीधा तंग के पास आकर कहता है अब जा रहे थे, मैं आपकी सब बातें करना चाहता था, मैं मेरी मम को कितनी ज़्यादा बुरी तरह से मना कर यहाँ पर आई हूँ और अब जा रहे थे, अब बहुत ज़्यादा बैड है। तब तक उस पर करके कहते हैं आई नो मैं बैड हूँ पर जो भी हो तुम ठीक हो। तब वो तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है और तंग को एक कैंडी ऑफर करता है। तब तंग कहते हैं तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा कैंडीज कहाँ से आता है। तब तुरंत वो कहते हैं मुझे मेरी मम हर एक चीज़ देता है जो भी कुछ मुझे चाहिए बिकॉज मेरी मम को लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा लाइफ डिजर्व करती हूँ। तब इस सुनकर तंग कहते हैं क्यों तुम्हारी मम क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक ओल्ड हाउस में रखता है। तब तन तुरंत कहते हैं मैं तुम्हें एक सीक्रेट बोलती हूँ किसी को भी मत कहना ठीक है, पिंकी प्रॉमिस करो मुझे। तब तंग अपनी स्मॉल फिंगर को उसकी पास लेकर जाता है और उसके फिंगर के साथ लगाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ। तब तन हंसने लगता है और कहते हैं तो फिर पहले मेरी कैंडी खोलो उसके साथ कैंडी खाने के टाइम पर बातें करेंगे। तब तंग उसे भी एक कैंडी ऑफर करता है। तब तन जो स्माइल करते हुए उसे कहते हैं पर मेरी मॉम ने मुझे मना किया है, मैं अगर लिया तो फिर मेरी मॉम मुझे डांट लगाएगा। तब तंग कहते हैं तुम्हें अब खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर में भी जाकर खा सकते हो, ऐसे भी मुझे पता है कि चाल इतनी भी ज़्यादा सेफ नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। तब तन स्माइल करता है और कहते हैं जो भी हो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बोलती हूँ, किसी को भी मत बोलना, मेरी मॉम आज ही मुझे बोला है। तब तुरंत तंग कहते हैं हाँ बोलो क्या बोला है। तब तुरंत तन तंग को लेकर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और वो दोनों ग्राउंड पर बैठा हुआ था। तब तन कहते हैं तुम जानते हो मैं तुम्हें बोला था ना कि मेरी डैड असल में अदर कंट्री में रहता है, ऐसा नहीं है, मेरी डैड बिल्कुल भी अदर कंट्री में नहीं है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तो फिर तुम्हारी डैड कहाँ पर है। तब तुरंत तन अपनी बॉक्सिंग स्माइल के साथ कहते हैं ये बात बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, मेरी डैड एक मॉडल है और तुम्हें पता है वो एक एक्टर भी है। तब ये सुनकर तंग अपने आईब्रोस रेस करके कहते हैं और तुम्हारी डैड का क्या नेम है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। तब तन कहते हैं पर मॉम ने बोला है डैड बैड है। तब तुरंत तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्यों ऐसा बोला है। तब तुरंत तन कहते हैं मेरी मॉम ने मुझे उसकी नेम नहीं बोला है कि मेरी डैड का क्या नेम है, और उसके साथ मॉम ने ये बोला है कि डैड मेरी मॉम को चीट किया था, वो कभी भी मेरी सिस्टर से प्यार नहीं किया है और उसके साथ मेरी मॉम से भी नहीं, और मेरी डैड किसी और से शादी कर लिया है और उसकी और एक सन है जो मेरे है ये इसकी है, और डैड मुझसे भी प्यार नहीं करता है तो फिर हम लोग नहीं जा सकते हैं डैड के पास। तब तन को इतनी ज़्यादा सैड देख कर तंग भी खुद भी सैड हो जाता है और वो तुरंत तन को हक कर लेता है और उसकी बैक को रफ करते हुए कहते हैं डोंट वरी देखो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी डैड एक दिन ज़रूर तुम लोगों की प्यार को समझ पाएगा। और तंग अपने मन में कहते हैं जो भी हो तुम लोग तो कम से कम जिंदा हो। पता नहीं कि उस जंगो कितनी ज़्यादा फूल डिसीजन लिया था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर आज शायद मैं भी मेरी फैमिली के साथ रह पाता, मैं शायद उन लोग को ढूंढ लेता, जंगो क्या मुझे माफ़ करता शायद नहीं करता बिकॉज मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ, कौन माफ़ करेगा, मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ, पर मैं विश करूँगी गॉड के पास कि तुम्हारी डैड एक दिन ज़रूर तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। फिर तंग उसके बैग को रफ कर तो है कहता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें बहुत सारे प्यार दूंगी और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही मिलने के लिए आ जाऊंगी और तुम्हारे डैड उसके बारे में भूल जाओ, वो एक बैड पर्सन है और इसी वजह से वो तुम्हारी मम को छोड़ दिया था। तब तन जो सोले सोले हाँ को ब्रेक कर देता है और कहता है मेरी
डेड सिस्टम में इतने ज़्यादा बैड पर्सन कैसे बन सकता है? वो क्यों हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? तब थॉन्ग कहते हैं शायद तुम्हारी डैड अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा प्यार करता था, इसे वजह से उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। वह शायद अब रिग्रेट कर रहा है बिकॉज अब तुम लोग उसके पास नहीं हो। तब ये सुनकर तन कहता है मैं विश करूँगी कि डैड एक दिन वापस आ जाए और मेरी मॉम से माफ़ी मांग ले। तब तंग हाँ कह देता है। फिर तन टॉपिक को चेंज कर देता है और कहते हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा बकवास है, मेरी डैड ऐसे भी नहीं आने वाला है। जो भी हो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी मॉम बोला है मैं सिर्फ 2 आवर के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ, उसके बाद मुझे जाना होगा। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो तन के साथ ऐसे ही कुछ टॉपिक पर बातें करने लगता है। और जब ऑलमोस्ट 2 आवर ख़त्म होने वाला था तब तंग तन को याद दिला देता है कि उसे घर में भी जाना है। तब तन तंग को बाय कहता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और तंग भी अपने घर की तरफ चला जाता है। और वो रास्ते में देखता है उसकी सिस्टर फिर से आ रहा था और इसे देखकर तन अपने मन में कहता है मैं इस दोनों गार्ड की क्या करूँ, मैं सस्मी मेरी दोनों सिस्टर को लेकर अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये कहने के बाद वो पाउट करने लगता है। तब तीनी और तुली जो उसे देखकर स्माइल करता है और कहते हैं मेरी लिटिल ब्रदर ने क्या एंजॉय किया है अपनी न्यू फ्रेंड के साथ। तब तन कहते हैं मैं तो एंजॉय कर रहा था पर मैं ये दोनों ट्विंस गट को देखकर अब इरिटेटेड हो गया हूँ। तब तुली और तीनी जो दोनों ही पाउट करते हुए कहते हैं यू लिटिल डेबिल तुम अपनी एल्डर सिस्टर के साथ इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो। तब तन कहते मुझे कैंडी चाहिए। तब वो दोनों ही हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों तन को लेकर जाने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था, तंग उन लोगों की बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था सिर्फ तन के, और ऐसे ही और भी ज़्यादा टाइम जा रहा था। तंग के पास और सिर्फ 10 डेज था और उसके बाद उसे यहाँ से जाना भी होगा। तंग अभी से सोच रहा था कि वो तन को बहुत ज़्यादा मिस करेगा, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और तंग कभी कभी सोचता है अगर जंगू अब जिंदा होता तो फिर वो 100% श्योर है कि तन के जैसे ही उसके एक सन भी होता जो उसकी तरह ही शायद नॉटी बनता या तो एक गर्ल भी होता जो तन की तरह ही बनता। तंग जैसे भी हो पर वो चाहता है कि तन की तरह ही बनता जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जंगू का भी टेस्ट कर लिया था कि जो तन के फ्रेंड है वो शायद अच्छा है और इस वजह से वो अब तन को लेट होने पर भी नहीं डांटता है और उसके साथ उसके सिस्टर को भी वो भेजना बंद कर दिया था, जिस वजह से तन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और वो तंग को शाम के टाइम पर भी उसे फ्री होने पर मिलने के लिए बोला था और ऐसे ही हो रहा था और 5 डेज तक ऐसे ही बीत जाता है। तंग इवनिंग के टाइम पर अपने घर की तरफ जा रहा था तन के साथ बातें करने के बाद, और वो जब अपनी मेन डोर को ओपन करने वाला था तभी वो गार्ड्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। तब तुरंत तंग गार्ड्स के पास जाता है और वो जाकर देखता है वह पर तन था और वो गार्ड्स के साथ फाइट कर रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक होते हुए कहते हैं तन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तुरंत तन कहते हैं मुझे अंदर जाना है, मैं अभी मेरी फ्रेंड के घर को देखना चाहती हूँ। तब तंग कहते हैं तन तुम्हें घर में जाना चाहिए, तुम्हारी मम टेंशन कर रहा होगा। तब तन कहते हैं मैं फिक्र नहीं करती हूँ, मेरी मम मेरे लिए वेट कर सकता है। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर तन कहते हैं प्लीज़ मैं अंदर आ जाऊँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी घर देखना है। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते हैं घर देखने के बाद ही मैं तुम्हें घर में सोर कराऊँगी। तब तन हाँ कह देता है। फिर तंग तन को लेकर घर के अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि एक न्यू एक्टर जो बना था वो पर्सन वहाँ पर था। तब तंग उस बॉय को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो बॉय जो थोड़ा सा फेमिनिन टाइप का था वो स्माइल करते हुए कहते हैं असल में मिस्टर किम मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए आया था, पर ये बॉय कौन है? तब तंग कहते तुम्हारे जानने की बात नहीं है, सीधा सीधा मुद्दे पर आओ। तब वो पर्सन कहते हैं ओके मिस्टर किम मैं ये कह रहा था कि आप मुझे क्या थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो बॉय जो तंग के करीब जाने लगता है। तब तंग जो उसकी तरफ ही देख रहा था वो भी अपनी कोल्ड आइस के साथ। तब वो बॉय तंग के पास जाने के बाद उसके हाथ को तंग के निक के उन ग्रैप करने की ट्राई करता है, तभी तंग उसके हाथ को छुटा देता है और कहते क्या करने की ट्राई कर रही हूँ? तब तुरंत वो बॉय कहते इस बच्चे के बारे में भूल जाओ, कौन उसके बारे में सोचता है, सिर्फ मेरी बारे में सोचो। तब तंग कहते मैं क्या बोला था, सीधा पॉइंट पर आओ, तुम क्या चाहते हो? तब तुरंत वो बॉय कहता है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल देने में हेल्प करो और उसके बदले में तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ।
तब अपने गोल फर्स्ट में कहता है, मैं किसी को लेकर इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। तब वो बॉय कहता है, मुझे पता है तुम सबको लेकर इंटरेस्ट रखते हो, सिर्फ तुम ये नहीं बोल रहे हो। और मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ, पर जो भी हो मैं सच में चाहती हूँ, प्लीज़। तब तंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। तब वो बॉय फिर से तंग के करीब आने की ट्राई करता है। तब तंग तन की तरफ देखता है और तन को कहते, तन प्लीज़ तुम क्या ऊपर जा सकते हो, कोई भी रूम में चले जाओ, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अभी मिलने के ला रही हूँ, ओके। तब तन हाँ कह देता है और जल्दी से चला जाता है। तब तुरंत वो बॉय जो फिर से तंग के करीब जाने लगता है, तब तंग गुस्से से कहता है, तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है। और तंग अभी भी अपनी जगह पर अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। तब वो बॉय तंग के एकदम करीब आ जाता है और कहता है, बस मैं तुम्हें चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, तुम्हारे जैसे हॉट सेक्सी पर्सन को कौन नहीं चाहेगा। तब तंग अपने कोल्ड फेस में कहता है, यहाँ से बाहर चले जाओ अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं गार्ड को बुलाऊँ तो। तब वो बॉय फिर से कहते, एक बार सोच भी लो, मैं सच में इस बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बोलूँगी। तब तंग कहते, तुम्हारी बोलने की हिम्मत भी नहीं होगा अगर मैं करता भी तो, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से जाओ। तब वो बॉय तुरंत कहता है, तुम क्यों अपने उस गर्लफ्रेंड चीटर के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी हो। तब तंग कहते, मैं क्या नहीं करती हो, और सबको पता है कि उसने मुझे चीट किया था, पर फिर भी मैं क्या नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं उसके लिए कोई भी फील नहीं रखती हूँ अब, मैं जिसके लिए फील रखती हूँ मैं उसके लिए ही रखूँगी, और यहाँ से अभी दफा हो जाऊँ। तब तुरंत वो बॉय कहते, तुम जिसके लिए फील रखना चाहते हो रखो, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, बट तुम्हें नहीं लगता सबकी एक नीड होता है, एक पर्सन तुम्हारी नीड को पूरा नहीं कर सकता है। तब तंग कहते, मेरी नीड पूरा हो गया है, मैं एक ओल्ड मैन की तरह लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, अभी यहाँ से बाहर जाओ। तब वो पर्सन कहता, पर तुम ओल्ड मैन नहीं हो। तब तंग कहते, मेरे 3 साल है, अब यहाँ से जाओ। तब वो पर्सन शॉक हो जाता है और कहते, पर तुम्हारी जो चीटर गर्लफ्रेंड था उसकी तो सिर्फ एक सन है और वो किसी और के साथ है। तब तंग अपनी गोल्ड वॉइस में कहते, बाहर जाओ वरना मैं सच में तुम्हारी कैरियर को अभी ख़त्म करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तब वो डर जाता है और उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर तंग को अपने नेक में पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है और तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है वो बॉय वहाँ पर खड़ा था। तब तंग अपनी नेक को रफ करते हुए कहता है, तुम अभी क्या कर रहे थे मेरी नेक पर, बोलो तुम क्या अभी मुझे कोई इंजेक्शन दिया हो। तब वो तुरंत कहते, वो असल में नहीं, मेरी नेल्स था, आई एम सॉरी, मैं असल में सिर्फ मेरी पार्ट्स को लेकर जाने के लिए आया था, पर मैं गलती से ऐसा कर दिया, आई एम सॉरी। और ये कहने के बाद वो अपनी पर्स को लेता है, जो तंग जिस तरफ जा रहा था उसी रास्ते से जाना पड़ रहा था। तब वो लेता है और उसकी बच जाने लगता है। तब तंग की नज़र उसकी नेल्स की तरफ था, जो ज़्यादा बिग नहीं था पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। फिर तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और जल्दी से ऊपर जाता है और कहते, तन तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ बाहर आओ। तब तन बाहर आ जाता है। तब तंग कहते, देखो अब बहुत ज़्यादा नाइट हो रहा है, अब हम लोग को जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल जल्दी से मेरे घर में लेकर आऊँगी और तुम्हें मैं मेरी फुल घर दिखाऊँगी, ठीक है। तब तन पाउट करता है और कहते, ओके, बट वो पर्सन अच्छा नहीं था। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो तन को लेते हुए जल्दी से फिर से बाहर की तरफ आ जाता है और उसे लेकर जल्दी से अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। और तन जो उसे बोल रहा था कि किस रास्ते से जाना है, क्योंकि ऐसे भी तंग और वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुका था और तंग नहीं चाहता है कि तन सच में अपनी मम के हाथ में डांट सुने, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सुना है कि उसके मम बहुत ज़्यादा डांटता है। फिर तंग जब घर के सामने पहुँचता है तब वो अपनी कार को रोक देता है और कहते ही घर, तब तन हाँ कह देता है। और उसके बाद तंग तुरंत तन को लेकर जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब तंग को अचानक से अपने सिर में हेवी सा फील होने लगता है, वो अपने सामने कुछ भी अब क्लियरली नहीं देख पा रहा था। तब तंग फिर से डोरबेल बजाता है, फिर जाकर डोर ओपन हो जाता है और उसके सामने एक क्यूट गर्ल था जो शायद 13 की था। तब इसे देखकर तंग अपने काम भर्स में कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी ब्रदर है। तब ये सुनकर वो सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और तुरंत वो चिल्ला कर कहता है, मॉम आप कहाँ पर हैं, प्लीज़ अब यहाँ पर आ सकते हैं। तब जंगकुक जो अंदर से कहता है, मैं आ रही हूँ, कौन आ गया है, शायद वही पर्सन आया है, मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगी,
तन बहुत ज़्यादा नॉटी बन गया है। और ये कहने के बाद जंगकुक जो तिनी के पास आता है जो डोर के सामने था, तब जंगकुक अपने सामने तंग को देखकर शौक हो जाता है। तब तंग जो सामने एकदम सब कुछ ठीक ठाक से देखने की ट्राई करने लगता है, पर वो क्लियरली नहीं देख पा रहा था। फिर तंग देखते ही कि उसके सामने जंगकुक खड़ा हुआ था। तब तंग इसे देखकर वो समझ पा रहा था कि वो शायद हेलुसिन कर रहा है, और वो तुरंत अपनी काम वॉइस में कहता है, ओह सॉरी मिस्टर या मिस, मुझे नहीं पता, जो भी हो मुझे नहीं पता, पर मैं क्यों आपको जंगकुक की तरह दिखाई दे रही हो, आई मीन्स क्यों तुम जंगकुक की तरह दिखाई दे रहे हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो शौक था कि शायद तंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा, पर यहाँ पर तंग इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो डंक है, और तंग की वॉइस कट भी रहा था। तब तंग जो कहते हैं, मॉमी मेरी फ्रेंड है और आप उसके साथ बातें कीजिए, मैं हंगरी हूँ, और ये कहने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है। तब तिनी कहते हैं, मॉम मैं जा रही हूँ, और तिनी जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। तब तंग फिर से जंगकुक से माफ़ी मांगता है और कहता है, आपके जो सन है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, आई एम सॉरी वो थोड़ा सा लेट कर दिया है, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से शायद आप तकलीफ में थे, पर क्यों तुम जंगकुक की तरह दिखाई दे रही हो, तुम जानते हो जंगकुक मेरी हस्बैंड है। तब जंगकुक एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब तंग कहते हो मैं कितनी ज़्यादा फूल हूँ ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जंगकुक मेरा हस्बैंड है, तुम कैसे उसे जानोगे, पर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसमें मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और तंग ये कहने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते मुझे जाना होगा, और तंग ये कहने के बाद जंगकुक को बाय कहता है और वो जाने की ट्राई करता है, पर उसकी लेग्स भी अब शेक करने लगा था और वो तुरंत ही फ्लोर पर गिर जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत आकर वो तंग को उठने में हेल्प करने लगता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को अपने पास से दूर हटा देता है और कहते मुझे टच मत करना। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तब तंग तुरंत कहते मैं जैसे भी हूँ, मुझे टच मत करना, तुम मेरी जंगकुक की तरह दिखाई देते हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें गलत तरीके से टच कर लूँ। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक के हाथ को हटा देता है और जैसे भी करके वो ग्राउंड से उठ जाता है और सोली सोली वो उठकर कार की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत तंग को अगर फिर से पकड़ लेता है और कहते तुम कार ड्राइव नहीं कर पाओगे। तब तंग कहते प्लीज़ मिस्टर या मिस मुझे छोड़ दो, वरना सच में बहुत कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सच कह रही हूँ मैं कोई भी डिंक नहीं किया हो, पर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं तुम्हें जंगकुक देख पा रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई भी हेलुसिन करूँ, मैं फुल 9 ईयर से उसे मिस किया हो, उसकी डेथ हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें देख कर ऐसा कुछ भी करूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, मैं उसे हग करके उसके पास माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ से हट जाओ। और ये कहने के बाद तंग जैसे भी करके कार की डोर को ओपन करता है और जंगकुक को खुद के पास दूर पुश कर देता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और वो कार को स्टार्ट करने की ट्राई करता है, पर नहीं हो रहा था। तब जंगकुक को पता था अगर तंग इस हालत में ड्राइव किया तो फिर वो तो खुद की लाइफ को खतरे में डालेगा ही और उसके साथ और किसी की लाइफ को भी खतरे में डाल देगा। तब जंगकुक जल्दबाजी में कार की डोर को ओपन करता है और तंग को फोर्सफुली कार से नामाकर लेकर आता है और उसे लेकर घर की तरफ जाने लगता है। तब तंग बार बार जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है और कहता है मिस्टर किम आप यहाँ पर नाइट तक रुक सकते हैं, सुबह आप जा सकते हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है। तब तुरंत तंग कहते नो मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे घर में जाना है। तब जंगकुक तंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और उसे घर में लेकर आता है और उसे सीधा अपनी रूम में लेकर जाता है। तब तंग जो रूम में अंदर जाने के बाद जंगकुक उसे सॉफ्टली बेड पर बैठा देता है और वो तंग के लिए थोड़ा सा फूड लेने के लिए जाता है और जब फूड लेकर वापस आता है तब वो देखता है कि तंग जो अपनी शर्ट को अनबटन करने की ट्राई कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और वो तंग को कॉन्फ्यूज होकर तुरंत कहते तुम ये क्या कर रहे हो। तब तंग अपनी हाफ आइस को ओपन करके ही कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, मेरी होल बॉडी में पेन भी फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अब समझ पाता है कि असल में क्या हुआ था। उसे नहीं पता कि तंग किस तरह से ड्रग्स लिया है, पर
जंगुक यहाँ पर नहीं रुक सकता है, वरना तंग उसे फोर्स करेगा। पर फिर भी जंगुक तंग को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता है। जब किम तंग यहाँ पर उसके सन को सेबली देकर गया है, तो फिर जंगुक कितनी भी ज़्यादा बैड भी नहीं है और ना तो तंग से हेट भी करता है, वो अभी भी तंग के लिए फिर रखता है। पर वो सिर्फ अब तंग को शो नहीं करना चाहता है, उसकी लाइफ के लिए सब कुछ इनफ था। वो तंग को और अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहता है, वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है। फिर जंगुक तंग को लेकर जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है और उसे बाथटब में लेटने में हेल्प कर देता है और कोल्ड वाटर से बाथटब को भर देता है और कहता है बाथटब में ही रहो। और ये कहने के बाद जंगुक जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और तंग जो बाथटब में खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, बिकॉज उसे पता था वो दूसरे के घर में है, वो जो करेगा वो गलत होगा। और तंग खुद भी अपने लास्ट को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था और फुल 2 आवर बाद जाकर जंगुक वापस आता है। और वो आने के बाद तंग को चेक करता है, तब वो देखता है कि तंग बाथटब में ही सो गया था। तब इसे देखकर जंगुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो तंग को उठाने की ट्राई करता है, पर तंग नहीं उठ रहा था। तब जंगुक मुश्किल से तंग को उठा लेता है, पर तंग अभी भी अपनी हाफ आइस को ही ओपन करके रखा था। फिर जंगुक तंग को जल्दी से तंग की क्लोथ को रिमूव करके उसे जल्दी से जंगुक की खुद की क्लोथ पहना देता है, पर उसके सिर्फ ट्राउजर ही पहनाया था क्योंकि जंगुक को पता है उसकी क्लोथ तंग की बॉडी में फिट नहीं होगा। फिर जंगुक उसके बाद तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर डुबेट को उड़ा देता है। और जंगुक जल्दी से फिर से रूम से बाहर चला जाता है। तब तिनी और तुली जो जंगुक की तरफ ही देख रहा था, तब जंगुक उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों जाकर पीसफुली सो सकते हो। तब तुली कहते हैं पर डैड यहाँ पर है। तब जंगुक अपने काम वॉइस में कहते हैं क्यों क्या हुआ है, उसे मिस कर रहे थे। तब दोनों ही सिर्फ निशी की तरफ देखने लगता है। तब जंगुक को भी अपने सिस्ट में पेन फील होने लगता है, वो खुद भी तंग को मिस करता है पर क्या कर सकता है, तंग ऐसे भी उसे कहाँ पर लव करता है। और उसके साथ जंगुक की डॉटर्स को भी तंग कभी भी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन शायद जंगुक की रिक्वेस्ट की वजह से तंग सिर्फ एक्टिंग किया था वन डे के लिए। फिर जंगुक स्माइल करते हुए कहता है उसे मिस मत करो, हम लोग उसके लब भी रह सकते हैं, वो हम लोग की लाइफ में कभी था ही नहीं, तुम लोग सिर्फ उसके पास से वन डे ही प्यार पाए थे और इसी तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम लोग उसके लिए सालों से बहुत ज़्यादा हार्टफुल कर रहे थे। आई नो कि तुम लोग उससे भी यही सारे अटेंशन चाहते थे, पर एक बात याद रखना, हम चार कभी भी इतनी ज़्यादा लकी नहीं हैं कि तंग हम लोग को प्यार देगा, तो फिर कभी भी एक्सपेक्टेशन भी मत करना। सिर्फ हम चारों ही हम चार के लिए हम, तो फिर हम लोगों के अलावा और यहाँ पर हम लोगों के लिए और कोई भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना और कभी भी उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और ये कहने के बाद जंगुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तिनी और तुली दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है, पर तिनी कहते हैं पर डैड सच में हम लोग उससे प्यार करता है। तब जंगुक कहते हैं सिर्फ एक दिन के बारे में कह रहे हो ना, जिस दिन उसने तुम लोगों को प्यार शो किया था वो एक्टिंग था, मैं उससे रिक्वेस्ट किया था ताकि वो तुम लोगों को थोड़ा सा प्यार दिखाने की एक्टिंग करे और एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो अगर ऐसा करेगा तो फिर मैं उसे डिवोर्स दूंगी और ऐसा ही था और हो गया है और हम लोग अब हैप्पीली हैं और तुम लोगों को कोई भी डैड की ज़रूरत नहीं है। तब तन और तुली दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है, बिकॉज वो दोनों इतने भी ज़्यादा स्मॉल नहीं था कि वो लोग समझ नहीं सकता है, उन लोग इतने सालों से इतना तो समझ गया था कि तंग कभी भी उन लोगों को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया है क्योंकि वो लोग अपनी फ्रेंड्स की डेट्स को भी देखा है, वो लोग अगर बिजी रहता है पर फिर भी वो लोग अपने टाइम निकल कर उन लोगों के पास आ ही जाता है और अगर लेट करता है तब उन लोगों से हमेशा माफ़ी मांगता है और उन लोगों के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, पर तंग कभी भी उन लोगों के साथ होल लाइफ में भी ऐसा नहीं किया था। और उन लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि उन लोगों की एक डैड है, उसे सिर्फ वो लोग टीवी पर ही देख सकता है और कुछ भी नहीं, और वो लोग ऐसे ही देखा था और सिर्फ लास्ट ही वो लोग उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाया था। तो फिर उन लोगों को पता है कि जंगुक जो भी कुछ कह रहा है सब कुछ सच था और वो लोग अपनी मॉम को लेकर ही खुश हैं। और उसके बाद वो लोग जंगुक को एक बार हग करता है और जंगुक की दोनों सिर पर किस करते हुए कहते हैं आज अब हम लोगों के साथ रुक जाइए। तब जंगुक कहते तुम दोनों श्योर हो? तब तुरंत और तुले कहते हैं हम लोग हमारी फैमिली को मिस कर रहे हैं और हमारी फैमिली सिर्फ आपसे है। तब
ये सुनकर जंगुक स्माइल करता है और उसके बाद जंगुक उन लोगों के साथ उन लोग के रूम की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद जंगुक मिडिल में सो जाता है और वो दोनों जंगुक को हक कर लेता है। तब जंगुक उन दोनों के बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है और वो दोनों जंगुक के सिर पर अपने सिर रखकर पीसफुली सो जाता है। तब जंगुक खुद भी सोने के पहले जो उस रूम में दूसरे साइड में बेड था वहाँ पर देखता है जहाँ पर उसके सन सो रहा था। तब जंगुक स्माइल करता है और खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।